लाल हो गए आ हमने के अब वो खेती की रस्ती बा आ वही से हमने के अब ये थी बा वो कर मैंने सरकार से मुआवजा मिले के चाहिए जाना जौन ही को जौन बात शुरू में वो है एक और पाता लौकता बाकी गाना खत्म बा ये मैंने ओकरा जोरे और बहुत रहला जी बहुत ही रहला आठ गो दस गो रहला सब खत्म बा एक और वही में लौकता पाता कहीं का बड़ा बड़ा जौन बा सीतामढ़ी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है खराब गन्ने की फसल को अब किसान उठा रहे हैं और उसके बदले धान की खेती की ओर रुक कर रहे हैं हालांकि जिला अधिकारी उन्हें मदद का भरोसा दिला रहे हैं गन्ना लगभग 75% नुकसान हो चुका है 25% ही गन्ना बचा हुआ है और हम लोग को दूसरा फसल लगाने के लिए मजबूर है गन्ना उपटा करके 25% फसल में क्या होगा इसके देखते हुए हम लोग गन्ना को फसल को हटा करके धान का बिचरा लगा रहे हैं वो भी 10,000 के कट्ठा धान का भी बिचरा जो है सस्ता नहीं मिल रहा है लगभग 1,000 हेक्टेयर में गन्ना को नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ के चलते तो उन सबको भी जो नियम अनुसार मुआवजा मिलना है उसके लिए हम लोग प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद सरकार में भेजी जाएगी और जल्दी उनको भी हम लोग भुगतान कर पाएंगे बता दें कि उत्तर बिहार में गन्ने की खेती 3.15 लाख से 4 लाख हेक्टेयर में की जाती है जिनसे 220.50 लाख टन का पैदावार होता है वहीं इन गन्नों से 8.55 लाख टन चीनी का उत्पादन